हमारे हाथ में जो फोन आप देख पा रहे हैं सैमसंग की जे टू प्रो है दोस्तों, ठीक है। तो या तो इसको आप सैमसंग गलेक्सी जे टू 18 प्रो भी बोल सकते हैं या जे टू प्रो जे टू 18 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसमें जो FRP लॉक लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या करना होगा आपको, जैसे जैसे मैं करूँगा सेम टू सेम आपको करना होगा। आपको जो इंटर वाला बटन है स्क्रीन में उसको 3 बार सेम टाइम आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। 3 बार देखिए, जैसे मैंने प्रेस किया उसके बाद आपको ऐसा कुछ टोल बैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 बार जैसे उसको प्रेस करेंगे टोल बैक दिख जाएगी, उसके बाद आप टोल बैक में L लिखेंगे, उसके बाद टोल बैक सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ड्यूअल फिंगर का उपयोग करना, ध्यान रखिएगा ड्यूअल फिंगर, ठीक है। दोनों उंगली का आप यहाँ पे प्रयोग कीजिए, फिर आपका काम चलेगा। यहाँ पे सिंगल उंगली वर्क नहीं करेगा, टोल बैक का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराना मेथड करके दिखा रहा हूँ, टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक करके आपको जो भी करना है फिर डबल वर्क क्लिक करना किसी भी ऑप्शन पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पुराना वाला मेथड काम नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ऑन करना होगा, ठीक है। दो चीज़ जैसे आप ऑन करेंगे, सिंगल टैप एक्टिवेशन को ऑन कीजिए और आपका एक्सप्लोर टैग जो है दोनों ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलिए, उसके बाद आप टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग पर चलिए। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, उसको सेटिंग का कॉर्नर पे क्लिक कीजिए जहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इस पर आ जाइए, सैमसंग फोर सेटिंग पे आ जाइए टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। उस पर भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए 3.3 जो है 3.00 7.5 75 जो भी है उस पर क्लिक कीजिए ड्यूअल बार। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका गलेक्सी स्टोर जो है अप टू डेट आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका जो सैमसंग होता है ना सैमसंग गलेक्सी स्टोर, यहाँ पे अप टू डेट आपको मांगेगा तो आप यहाँ पे अप टू डेट कर दीजिए इसको, ठीक है। ये सारा ही फ़ोन में अप टू डेट मांगेगा, और बट अगर आपका अप टू डेट है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अप टू डेट मांगेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए जब तक ये अप टू डेट हो रहा है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राजधानी टेक चैनल। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में व्यूज़ तो भर भर के देते हैं, मगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और पूरा वीडियो दोस्तों वॉच नहीं करते हैं, तो ठीक है। ये जो फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी J2 18 है, इसको कुछ लोग सैमसंग गलेक्सी J2 18 Pro भी बोलते हैं। तो दोनों डिवाइस जो है, दोनों डिवाइस आपका सेम चीज़ है। तो इसमें देख लीजिए जब तक ये आपका गैलेक्सी स्टोर अप टू डेट हो रहा है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम लोग दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन और प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोगों को देते हैं बना के, आप लोग ज़रा सी भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर आपका काम नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में आप कॉमेंट करेंगे कि मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपके सामने में कैमरे के सामने ही करके दिखाया जाएगा जो भी होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ से जो है FRP इसका बाईपास किया जाएगा। तो देखिए जैसे ये गैलेक्सी स्टोर आपका अप टू डेट होने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है ये, ठीक है। देखिए इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे देखिए 3.00 जो 75 है उस पर 2-3 बार फिर से टाइप कीजिए, 2-3 बार फिर से टाइप कीजिए, 2-3 बार फिर से टाइप कीजिए, जब तक आपका यहाँ पर कुछ अगला ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। टाइप कर दीजिए, फिर से टाइप कीजिए, फिर से 2-3 बार टाइप कीजिए। देखिए कोई ऑप्शन आपको उसी जगह में क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसी जगह में थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अब आ गया आपका यहाँ पे, जैसे आ गया देखिए सर्च बार दिख रहा है दाहिने तरफ, तो आपको टोल बैक को जो है यहाँ पे सस्पेंड करना है, ठीक है ना। टोल बैक बंद नहीं करना, आपको यहाँ पे सस्पेंड करना। सस्पेंड करने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप डाउन को आपको सेम टाइम में प्रेस करना होगा। देखिए जो वॉल्यूम बढ़ाने वाला होता है और घटाने वाला दोनों को एक साथ प्रेस करके रखिए, उसके बाद लिखा हुआ आएगा जाएगा सस्पेंड टोल बैक, उसके बाद आप सस्पेंड में ओके कर दीजिए। अब आपका टोल बैक फिलहाल सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो हमें टोल बैक पूरी तरह से बंद नहीं करना है, हमें सस्पेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च बार जो दिख रहा है आपको दाहिनी तरफ, ध्यान दीजिएगा अभी आपको सिंगल टैप करना है, अब डुअल टैप नहीं करना है क्योंकि हमने इसको टोल बैक को फिलहाल सस्पेंड कर दिया। तो आपको यहाँ पे लिखना है सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, इसको भी ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम आपको जेन्युइन करके दिखाएंगे सारी चीज़ ऑन कैमरा ताकि आपको परेशानी ना दिखे। जैसे सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र आपको दिखेगा ऊपर में, इसको उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे उसको डाउनलोड वाला ऑप्शन मांगे, डाउनलोड वाला पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एक एक सेटअप दोस्तों आपको समझना पड़ेगा पूरी वीडियोज़ में, अगर आप स्किप कर दीजिएगा तो फिर आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र जैसे आप आएगा यहाँ पर अप टू डेट मांगेगा, लेटर पर क्लिक कर दीजिए, फिर से अप टू डेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है अप टू डेट होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दाहिने तरफ दिखेगा, बाएं तरफ देखिए कुछ एक बड़ा सा जो कटोरा है देखिए फुल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए जब तक अप टू डेट हो रहा है इसको आप अप टू डेट होने दीजिए। ऐसे ही देखिए दोस्तों हम लोग ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, ठीक है। जेन्युइन वीडियो ऑन कैमरा ही होता है आपका, सारा चीज़ आपके सामने में। आप वीडियो जरा सी भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करते हैं तो आपका फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए जब तक ये डाउनलोड हो रहा है अप टू डेट हो रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राजधानी टेक चैनल को। दोस्तों पूरी इस वीडियोज़ को आप देखा कीजिए, वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा भी होता है तो पूरी प्रैक्टिकल करके हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि जो वीडियो है फेक वगैरह ना हो और ना ही फर्जी हो, ठीक है। और आप लोग बहुत भर भर के आप लोग कमेंट में प्यार देते हैं दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम लोग इस चैनल को लेकर बहुत आगे तक जाने का इरादा है। तो देखिए जब तक ये आपका अप टू डेट हो रहा है इसको अप टू डेट होने देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका अप टू डेट पूरा ये हो जाए, देखते रहिएगा,
जैसे ये पूरा अप टू डेट आपका यहाँ पे हो जाएगा, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्टॉल वाला ऑटोमेटिक में इंस्टॉल में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो हम यहाँ वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, आप भी इसकी मत कीजिएगा। जो भी होगा यहाँ पे कैमरा के सामने आपको हम करके दिखाएंगे। छोटे से छोटे मेथड पे भी ध्यान देके बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है वीडियो, आप इसको इसकी मत कीजिएगा। सैमसंग गलेक्सी J2 18 Pro, सैमसंग गलेक्सी J2 18 ऑन FRP बाईपास। दोस्तों मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मैं सोचा बोल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल इसे आप हम होने देते हैं। हो जा मेरे भाई, हो जा मेरे भाई, इंस्टॉल हो जा। तो देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको ओपन पे कुछ लिखा हुआ आ जाए, ओपन पे आपको क्लिक करना होगा। ओपन जैसे आपको दिखेगा इस पर क्लिक कर दीजिए आप, ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओपन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे कुछ आपको ब्राउज़र जैसे आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा। हाँ देखिए मोर पे आ रहा है, मोर पे क्लिक कीजिए, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र खेल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करना होगा, आप चाहे तो सेट पे क्लिक कर सकते हैं, हम तो नोट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ लिख के सर्च मारना होगा, ठीक है, दो तीन वेबसाइट है, आप कोई सा भी सर्च मार लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी जगह में हम यहाँ पे ऐड रूम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐड रूम, ठीक है, ADDROM, ऐड रूम, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी उस तरह से ऐड रूम लिखिए। उसके बाद बाईपास गूगल अकाउंट 2023 वाला ऊपर का जो सबसे वेबसाइट आएगा आपको उस पर ओपन करना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे प्रॉपर, और मैं भी आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ध्यान रखिएगा, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको एक ऐप को यहाँ पे डिसेबल करना होगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट पर ले लेता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट हो गया। अब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं हम, अब आपको कहाँ चलना होगा हम बता देते हैं आपको, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। बहुत मस्त वाला मौसम हो रहा है दोस्त। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, गूगल सेटिंग एपी के, इसको आप ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल सेटिंग एपी के, ठीक है, बाईपास। देखिए गूगल सेटिंग एपी के जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। ये डाउनलोड जैसे हो जाए अब आपको लेके चलेंगे हम यहाँ पे सेटिंग पे चलना होगा आपको। तो यहाँ पे जो है फाइनली हम लोग को जो यहाँ पे सेटिंग वाला ऐप खोजना होगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके सेटिंग का ऑप्शन होगा कहीं पे, जैसे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा हमें यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे दो तीन चीज़ को यहाँ पे डीएक्टिवेट करना, ठीक है। सबसे पहले लॉक सिक्योरिटी स्क्रीन पर आ जाइए, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए अदर सिक्योरिटी सेटिंग में आइए, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए डिवाइस एडमिनिस्टर, उसके बाद फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। ये पहला हो गया आपका डीएक्टिवेट। अब आपको जाना होगा यहाँ से, हम बता देते हैं कहाँ जाना होगा आपको। अब जाना होगा दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स में आना है, ऐप्स को आप खोज लीजिए, ऐप्स आपको दिखेगा वहीं पे। ऐप्स पे जैसे खोजेंगे आप यहाँ पे सो सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना है। एक एक मेथड को समझिएगा दोस्तों, वीडियो इसकी मत कीजिएगा। सो सिस्टम ऐप पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस खोजना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गूगल प्ले सर्विस, गूगल प्ले स्टोर वगैरह नहीं खोजना आपको, गूगल प्ले सर्विस खोजना है। तो मैं अपना गूगल प्ले सर्विस यहाँ से खोज लेता हूँ। तो देखिए हमें गूगल प्ले सर्विस यहाँ पर मिल गया, हमें यहाँ पर डिसेबल कर देना होगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो गूगल प्ले सर्विस है आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा कि गूगल प्ले जो सर्विस है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये देखिए आपका गूगल प्ले सर्विस आ गई, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे फोर्स स्टॉप करेंगे और डिसेबल भी कर देंगे, दोनों एक साथ कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से बैक कर देना, ठीक है, यहाँ से बैक करके दोस्तों अभी हमको यहाँ से बैक चला जाना है। उसके बाद हमको यहाँ पर आना है इसका डाउनलोड वाला जो ब्राउज़र था जहाँ से हमने इसे डाउनलोड किया हुआ है उस पर चलते हैं। उसके बाद गूगल सेटिंग एपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे नॉर्मली किसी भी ऐप को सेटअप करते हैं उसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने इसको डाउनलोड किया था गूगल सेटिंग एपी के, उसको अभी हमको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आगे वाला जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना होगा आप लोग को। दोस्तों एक ही वीडियो में सारी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी इसमें, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना, ओपन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। डन पे क्लिक कर दीजिए आप, डन पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से सेटिंग वाला ऑप्शन पे चलिए, फिर से ओपन कीजिए। अब आपको यहाँ पे आना दोस्तों क्लाउड गूगल अकाउंट एड पे आना है, उसके बाद अकाउंट पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल में आना होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे आपको यहाँ जस्ट अ सेकंड कुछ बोलेगा उस पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आपको यहाँ पे दोस्तों अपना जो ईमेल आईडी है कुछ जो सा भी आपको ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट को फिल कर दीजिए। तो दोस्तों जो मेरा जीमेल अकाउंट है मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। देखिए हमने अपना जीमेल जो है उसको यहाँ से फिल कर दिया, जो इसका हमारा पासवर्ड है हम उसको भी फिल कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज़ हम दिखा नहीं सकते हैं आपको, ये गूगल और यूट्यूब के टर्म कंडीशन के खिलाफ होता, ना ही हम आपको पासवर्ड दिखा सकते हैं, ना ही हम आपको गूगल जीमेल अकाउंट दिखा सकते, कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गूगल अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, बैक नहीं कीजिएगा। अब आपको फिर से वहाँ जो है ऐप्स में जाना होगा, ऐप्स में जाने के बाद जो है आपको गूगल प्ले सर्विस को इनेबल कर देना होगा। अब आपको एक ऐप जो हम लोग यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्री को यहाँ से डिसेबल किए थे उसे भी हमें इनेबल करना होगा। फिर से सेम टू सेम ऑप्शन में जाना होगा,
अदर सिक्योरिटी सेटिंग में चलिए, उसके बाद फिर से हमें एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइस में चलिए। हाँ देखिए यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्टर पे हमको मिल गया। यहाँ पे हमें डिवाइस एडमिनिस्टर की ऐप को जो है हमें फिर से यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। जैसे एक्टिवेट हो जाए यहाँ से आप इसको बैक करते चलिए। अभी हम लोग इसे बैक करते चलेंगे दोस्तों, बैक करते चलेंगे। देखिए जहाँ से हमें आए थे हम वहीं से इसे बैक करते चलेंगे। देखिए अगर आप बैक नहीं करेंगे तो आप फाइनली इस फोन को रिबूट भी कर सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ से काम खत्म हो गया तो मैं आप यहाँ से बैक नहीं करूँगा। मैं तो आपको कहूँगा बैक मत कीजिए, इसको आप जो है पूरी तरीके से बैक करते चलिए। इसको स्विच ऑफ रिबूट में मत डालिए, आप इसको बैक करते हुए चलिए पूरी तरीके से, ठीक है। पूरी तरीके से इसको बैक करते हुए आ जाइए। उसके बाद जैसे आप सेटअप करना शुरू करते हैं ना स्टार्टिंग से, वैसे सेम टू सेम सेटअप करना शुरू कर दीजिए। और ध्यान रखिए मोबाइल में आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जो आपका मोबाइल में ऑन होना चाहिए, या तो आप सिम लगा के रखिए या आप वाईफाई का यूज़ कीजिए, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर कनेक्ट रखना होगा। अभी आपको डिसकनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। पूरे मोबाइल का प्रक्रिया में आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट करके रखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ अकाउंट एडिट का ऑप्शन आ गया है। देखिए यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी उम्मीद है कि हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमारी FRP कैसे बाईपास हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है गूगल गेटिंग APK, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वहाँ पे डोंट रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जैसे आप कोई भी नॉर्मल फ़ोन को सेटअप करते हैं ना अभी, आप उसी तरीके से अभी सेट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपका वीडियो जो हमारा है आपको पसंद पड़ा है, ठीक है। अभी आपका FRP यहाँ से बाईपास हो चुका है, ठीक है। आप स्किप पे क्लिक कीजिए, फिनिश पे क्लिक कीजिए। यानी मैं बता दूं आपको एक बात की 100 बात, जो आपकी जो मतलब नॉर्मल कोई सा भी फ़ोन आप सेटअप करते हैं ना, वो फ़ोन आप उसी तरह से सेटअप इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद पड़ी है दोस्तों। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक बार सेटिंग में जाकर इसको पूरी तरीके से फॉर्मेट कर लीजिएगा मोबाइल को, ठीक है। सेटिंग में जाइए, उसके बाद आप पूरी तरीके से मोबाइल को हार्ड रिसेट कर लीजिएगा सेटिंग में जाके, ठीक है। हार्ड रिसेट वाला ऑप्शन पर जाकर सेटिंग में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका गूगल अकाउंट यहाँ से जाके रिमूव कर दीजिए, जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे गूगल अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं अपना मोबाइल में अंदर से जाके, उसके बाद हार्ड रिसेट मार दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। फैक्ट्री रिसेट में जाके इसको आप पूरी तरह से रिसेट कर दीजिए। जैसे आपका मोबाइल रिसेट में चला जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ से FRP अनलॉक हो गया और आपसे FRP नहीं मांगेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।